फाइनली गाइस अपने न्यू मोबाइल में हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो देख सकते हो हम गाड़ी में आ चुके हैं इधर जहाँ पर हमने शोरूम में गाड़ी खड़ी की थी। चलिए यार सफर करते हैं अपना स्टार्ट। अभी टाइम हो चुका है कम से कम दोपहर के 1 बज चुके। चलिए निकलते हैं अब अपने आगे के ब्लॉग आपको कंटिन्यू न्यू मोबाइल में मिलेंगे, वो भी सैमसंग S24 Ultra में। चलिए यार जब तक मतलब जो मन करता है, मन चाहता है यार, मन जो करता है वो करना चाहिए यार जिंदगी में। जिंदगी का क्या भरोसा है कब जिंदगी खत्म हो जाए। ठीक है तो यहाँ पर भाई आए थे हमसे मिलने गाड़ी देख के, तो भाई जस्ट अभी मिल के निकल गए यहाँ से। तो चलिए गाइस निकलते हैं, आप करते हैं अपना सफर स्टार्ट, अपने आगे के ब्लॉग आपको कंटिन्यू मिलेंगे। और जो पहले थे वन प्लस था अपना बना मोबाइल, तो उससे ज़्यादा क्लियर अब और वीडियो आपको क्लियर मिलेंगे। चलिए निकलते करते अपना सफर स्टार्ट यहाँ से। अपने गाड़ी को कर दिया वहाँ पर खड़ा पार्किंग में, रोड के साइड में। चलिए मिसल वगैरह आपको दिखा दो, मिसल पॉप क्या होता है, वहाँ पर है नहीं मिलते यार, बहुत भूख लगी थी अभी ऊपर के 1 बज चुके, मैंने कुछ खाया नहीं। मिसल वगैरह खा के फिर निकल जाएंगे क्योंकि मेरे को अब भूख सही नहीं जा रही है, बहुत भूख लगी है। और आपको दिखा था गाइस अपने मोबाइल का चेंज करने का कारण ये है, आप देख सकते हो आधा डिस्प्ले अपने मोबाइल का गायब हो चुका है और इसका बैटरी बैकअप भी सही नहीं दे रहा है, मोबाइल हीट भी बहुत हो रहा था, तो मोबाइल अब चेंज करने को आया था क्योंकि इसको हो गया था अभी ढाई साल हमने चलाया वन प्लस नॉर्ड। चलिए अभी इस मोबाइल को भी बना के थोड़ा यूज कर ही लेंगे या फिर घर पे दे देंगे। चलिए गाइस अब इसमें से पूरे अपडेट वगैरह सब इसमें से लेने देखते हैं, धीरे धीरे सब अपडेट दे देंगे इसमें से। चलिए आगे मिलते फाइनली गाइस हम आ चुके हैं भिगवन में, तो ऐसी कुछ लोकेशन है, तो यहाँ पर अपने भाई मिले थे, तो भाई ने हाथ दिया तो हम रुक गए यार। ओके तो भाई के पास रुक गए थे, बस अपने कुछ ऐसी लोकेशन आगे ग्रीस वगैरह करेंगे गाड़ी की तो फिर निकल जाएंगे। हेलो देख सकते हो अपने पीछे का मोबाइल का लुक कुछ ऐसा है सैमसंग अल्ट्रा का। भाई कर रहे हैं फोन पर बात। चलिए गाइस निकलते हैं भाई से मिलके, ठीक है चलो गए। चलिए गाइस यहाँ पर रुक चुके हम, गाड़ी की हो रही है यहाँ पर ग्रीस। चलिए भाई की अपने भाई कर रहे हैं यहाँ पर गाड़ी को ग्रीस कर रहे हैं। गाड़ी में ग्रीस हमने किया था मुझे लगता है हैदराबाद में, तो वहाँ से आने के बाद हमने कोई ग्रीस नहीं किया यार, बहुत लेट हो गया ग्रीस इस बार, थोड़ा लेट ही हो गया। मैंने देखा गुजरात में भी रात में आया था, ठीक है जा मैं चल चल चलिए हो रहा है ग्रीस, क्योंकि हमने ग्रीस ऐसे किया था हैदराबाद में, आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में, तो बस उस पर हम इधर गुजरात में ग्रीस करना चाहिए था यार, पर टाइम नहीं मिला, मतलब मैं रात में आया कोई ग्रीस वाला खुला मिला नहीं। चलिए गाइज अपनी गाड़ी की ग्रीस वगैरह हो चुकी है, तो भाई ने की ग्रीस। ओके चलो अपनी ग्रीस वगैरह हो चुकी है, करते हैं अपना सफर स्टार्ट। हेलो दोस्तों, तो हम रुके चुके, हम अब ले हुआ स्टॉप अभी टेम्बुरनी में, देख सकते हो ये सोलापुर वाला हाईवे, तो उस गाड़ी को हमने कर दिया यहाँ पर खड़ा, चाय वगैरह पीते, अभी टाइम हुआ है 5:30 बज चुके, तो गाड़ी को हमने कर दिया था यहाँ पर खड़ा। तो चलिए थोड़ा चाय वगैरह पीते, तो थकावत महसूस हो रही थी हम वहाँ से निकलने के बाद, बस वहाँ से भिगवन में रुके थे थोड़े ग्रीस करने, बस वहाँ से निकले थे, बस यहाँ पर चाय पीने रुके। चलिए चाय ना फाइनली गाइस हम आ चुके हैं सोलापुर वाले टोल पे, सोलापुर मतलब मोल वाले टोल पे, तो देख सकते हो ये पीछे टोल है, टोल क्रॉस करके हम रुक चुके हैं इधर चाय पीने के लिए। तो चलिए चाय वगैरह पीते हैं यार, पहले शीशे वगैरह साफ करते, गाड़ी को साफ करते क्योंकि हल्की सी बारिश पड़ी यहाँ पर, क्योंकि गाड़ी फिर से खड़ी हो गई। चलिए शीशे वगैरह साफ करते फिर चाय पीने जाते हैं। आ गया कपड़ा यार, ले
लेते हैं कपड़ा पहले, गाड़ी को शीशे वगैरह साफ करते हैं। तो वैसे हमने किए शीशे वगैरह साफ, देख सकते हो गाड़ी को एकदम चमका दिया है। शीशे वगैरह साफ किए, चले हम भी थोड़ा मुँह धोते और चाय वगैरह पीते, थोड़ी भूख भी लगी है, हल्का खाएंगे कुछ, देखते क्या है खाने में यहाँ पर। तो फाइनली गाइज अपनी नाश्ता वगैरह हो चुका है, हमने खाए वड़ा पाव यहाँ पर। तो चलिए अब करते हैं अपना सफ़र स्टार्ट। हमारे पास कैश नहीं यार, किसी पेट्रोल पंप पे रुक के ना मुझे कैश लेने पड़ेंगे। चलिए नाश्ता वगैरह तो हो चुका है यार, आज कुछ वीडियो बनाने में ना कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि वो अपना वन प्लस भी एकदम बढ़िया ही था यार, उसको मैं ये नहीं बोलूँगा क्योंकि उससे मेरी शुरुआत हुई है। पर इसकी जो क्लियरिटी है ना यार, इसको देख के ना मज़ा ही आ जाता है। आप देखना, आप नाइट का व्यू इतने क्लियर आ रहा है कि आप देख सकते हो, एकदम क्लियर दिख रहा है इसमें, देखना आप। इसमें जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये है अल्ट्रा, ये है अल्ट्रा का पावर, देखना इतना दूर था ये। तो चलिए गाइस करते हैं, अब निकलते हैं अब यहाँ से। थोड़ी धूप बत्ती वगैरह करते हैं फिर निकलेंगे। थोड़ी धूप बत्ती, गाइस करते हैं अपना सफर स्टार्ट। धूप बत्ती अपनी हो चुकी है, चलो लगा देते हैं लाइट। चलो तो गाइस करते हैं सफर स्टार्ट अपना, और मैं तो अकेला ही हूँ अब, क्योंकि साथ में जो लड़का था वो आया नहीं, उसको कुछ कॉलेज में काम था इसलिए वो आया नहीं। चलिए अकेले ही ठीक है यार, चलो क्या कर सकते हैं, कोई बंदा नहीं यार साथ में। गाइस निकल चुके हम यहाँ से मॉल से, तो आगे सोलापुर पड़ता है यहाँ से 30 किलोमीटर। तो चलिए अब करते हैं सोलापुर हैदराबाद वाले रोड पे लगते हैं। यार अपने पास कैश नहीं है, किसी पंप पे रुक के हमें कैश भी लेना पड़ेगा, लेते हैं कहीं आगे सोलापुर पास करके, क्योंकि आगे हमें महाराष्ट्र की बॉर्डर भी लगेगी, तेलंगाना की लगेगी, कर्नाटक की लगेगी, देखते हैं यार लेंगे आगे कैश कहीं। तो फाइनली गाइस हम आ चुके इधर भारत के पेट्रोल पंप पे, तो यहाँ पर मिले भाई हमारे समीर भाई। भाई ने यार बहुत प्यार कर दिया हमसे, और ये भी भाई है, इनके दोस्त ही है, ये भी अपने भाई है। चलिए गाड़ी को हमने कर दिया यहाँ पे खड़ा, यहाँ का भारत का भारत पेट्रोल पंप है यहाँ पे। और समीर भाई यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर गाँव है, तो भाई भी अभी उनकी भी गाड़ी लोड करके आ रही है यहाँ से, कुलूंग हैदराबाद से लोड करके आम लोड करके आ रहे बम्बई की, तो बस वो भी आधे घंटे में आ जाएगी, फिर समीर भाई निकल जाएंगे बॉम्बे के लिए मंडी का माल लेके। अभी बारिश में दादा को बहुत दिन से मिलने की ख्वाहिश थी, फाइनली मिल चुके, बहुत बहुत अच्छा लगा अपने अपने हक्का से मानू से। चलिए अब यहाँ पे हमें पार्किंग, और हमें कैश भी लेना था, तो भाई ने पहले से दोस्त के पास से 3,000 रुपये कैश हमें दिलाया यार, नहीं तो इसके रात में कहाँ पर हम ATM वगैरह ढूंढते, पंप वाले भी कहा यार जब तक डीजल नहीं डालेंगे तब तक हमें थोड़ी कैश देने वाले थे, तो भाई ने कैश भी दिलवाया यार, बहुत अच्छा हो गया। तो गाइस हम आ चुके महाराष्ट्र वाले बॉर्डर पे, तो भाई के पास से निकल के सीधा ये पर लगाते हैं गाड़ी को लाइन में। बुला रहा है कि उस साइड में लोग आ गए आपको,
करते हैं इस साइड में गाड़ी। तो ये कार वाला देखो कहाँ घुस गया, तो पता ही नहीं होता यार, कोई कोई नए बंदे होते तो चलो हो जाता है, गलती से घुस गए उधर अपनी कांटे वाले लाइन पे, तो चलो वापस चले जाएंगे वहाँ से। चलिए गाइस अब बॉर्डर वगैरह क्रॉस करके फिर मिलते हैं आपको आगे, खाना भी खाना यार बहुत भूख लगी है इस गाड़ी के पीछे। तो गाइस आगे गया हुआ है टेलर, बस ये टेलर के पीछे अपना ही नंबर है, देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, लाइट व्हीकल 53 रुपीज, मीडियम कमर्शियल व्हीकल 112 रुपये, हेवी ट्रक 118 रुपये। चलिए गाइस आगे की गाड़ी निकल चुकी है, लेते हैं हम कांटे पे गाड़ी। तो गाइस हम बॉर्डर वगैरह क्रॉस करके आ चुके, वहाँ पर हमने एंट्री वगैरह करवाई, तो चलिए आगे कोई होटल अच्छा सा होटल देख के हम खाना वगैरह खाएंगे यार, काफ़ी भूख लगी है मुझे तो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल अमूल ट्रकिंग ब्लॉग। तो गाइस हम आज कुछ ऐसी लोकेशन है अपनी यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आया था सुबह 3:30 बजे, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी इसलिए मैं सो गया था यहाँ पर आके, तो हमने कुछ ऐसी लोकेशन पर लाके गाड़ी को खड़ा कर दिया। तो रात के 3:30 बजे के आसपास मैं यहाँ पर आके रुका था, तो बस अभी चाय वगैरह पिया, फ्रेश हो गए, तो चलिए अब निकलते हैं। अभी यहाँ से मेरा बस है, बस सिर्फ 100 किलोमीटर सफ़र बचा है 2 घंटे का, 2-2.5 घंटे में हम पहुँच जाएंगे। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से, तो बारिश के चक्कर में गाड़ी देखना, बारिश की वजह से गाड़ी कितनी गंदी हो गई अब, क्योंकि रात भर छोटी छोटी मतलब बारिश पड़ी रही है थोड़ी थोड़ी करके। चलिए अब खोलते गाड़ी को, निकलते। तो गाइस आ चुके गाड़ी में, कर दिया हमने गाड़ी को स्टार्ट यार, अगर हमको 3:30 बजे आके नहीं सोते ना, मैं मेरे हिसाब से मैं 5 बजे तक वहाँ से लोकेशन पर पहुँच जाता। चलिए अब देखते हैं, अभी सीधा पे हमें चढ़ना है रिंग रोड पे, यहाँ से सफ़र बचा है सिर्फ 100 किलोमीटर से कम ही है, 2 घंटे लग जाएंगे यहाँ से, 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। चलिए निकलते अब यहाँ से। तो गाइस हम आ चुके हैदराबाद रिंग रोड से, ऊपर से देख रहे हो आप जा रहा है वो रिंग रोड है, तो बस ये जो है रिंग रोड पे हमें करना है आप लेफ्ट, तो लेफ्ट करने के लिए ब्रिज क्रॉस करके लेफ्ट करना पड़ता है गाइस, मैं पिछली बार पहले टर्न ले लिया था मैंने, तो चलिए यार मुड़ के मिलते हैं आपको। गाइस कर रहे आप चल रहे हम, अभी लगेगा हमें टोल, अपना जो रिंग रोड वाला टोल है जिसमें स्कैन होगा, और जहाँ पे हम उतरेंगे वहीं पे मतलब जो जितना किलोमीटर चले उतने पैसे कटेंगे, यहाँ पर स्कैन होगा। आ चुके रिंग रोड पे, तो हमने जैसे रिंग रोड पे लगने के बाद हमने गाड़ी को कर दिया फिर खड़ा, क्योंकि यार थोड़ा चक्के वगैरह चेक कर लेते हैं एक बार, पत्थर वगैरह निकाल लेते हैं, क्योंकि बाद में ना पत्थर चक 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 आवाज़ करने लगते हैं, इसलिए पत्थर वगैरह निकाल देंगे, क्योंकि गाड़ी रिंग रोड पर जो है गाड़ी चलती है स्पीड से, इसलिए
निकालते हैं पत्थर वगैरह टायर से। ऐसे पत्थर होते हैं, ये पत्थर ना चक 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 आवाज करते हैं। फिर यहाँ पर देखो अपने गाड़ी में टायर में क्या घुस गया, स्क्रू घुस गया, मुझे लगता है ऊपर ऊपर ही होगा, निकालते इसको। ऊपर ही था यार, ज्यादा बड़ा नहीं था, देख सकते हो ये वाला स्क्रू था, अंदर घुस गया था टायर में यहाँ पर। अगर ये ज्यादा लंबा होता तो फिर टायर पंक्चर हो जाता। चलिए छोटा ही है, स्क्रू अपने काम में आ जाएगा, इसको रखेंगे हम। तो गाइस हमें लेना है 6 नंबर से नीचे उतरना है हमें अब मैरिचल रोड पे। चलिए अब करते हैं, यहाँ से नीचे उतर जाते हैं यार, क्योंकि लोकेशन दिखा रहा है वहाँ पे, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है लोकेशन के हिसाब से हम जा रहे हैं। 6 नंबर पे दिखा रहा है उतरने के लिए, वहाँ से 1 किलोमीटर से हमें लेफ्ट लेना है आगे से। जैसे लोकेशन दिखा रहा है वैसे निकल जाएंगे अब। जो भी नया बंदा इस रिंग रोड पे आ रहा है ना यार, वो मैप के बगैर वो चल ही नहीं पाएगा यार, खुद मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, किसी को कुछ समझ में नहीं आता कौन सा रोड कहाँ जा रहा है, कौन से कहाँ से उतरना है, कुछ समझ में नहीं आता है। यहाँ पे लोकेशन लगा के चलो, लोकेशन एकदम एक्यूरेट दिखाता है, कोई चक्कर नहीं है। बस हमें यहाँ से करना है अब लेफ्ट मेडिचल वाले रोड पे। In 400 meters, use the left 2 lanes to take the exit toward National Highway 44. तो चलिए गाइस हम यहाँ से अब लेफ्ट लेके टोल वगैरह क्रॉस करके, क्योंकि मुझे भी लोकेशन। Use the left 2 lanes to take the exit toward National Highway 44. चलिए आगे मिलते हैं आपको जो मेन रोड पे। हम आ चुके हैं लोकेशन पर, गाड़ी को हमने ऐसे कुछ लगाया, यहाँ पे जगह ही नहीं है यार, रोड पे पूरी गाड़ियाँ खड़ी खड़ी है, पता नहीं इस कोको कोला को पार्किंग भी है या नहीं। इसलिए अब करते हैं एंट्री, जाते हैं गेट पर, देखते हैं क्या सिस्टम है, कब खाली होती है, क्या होती है। टायर पे लोड आ गया, तो यहाँ पे जगह ही नहीं यार, बहुत कम जगह है, सब गाड़ियाँ रोड पे लगी है, पता नहीं इस कोको कोला की पार्किंग भी है या नहीं। चलिए करते हैं एंट्री। तो वैसे अपनी गाड़ी एंट्री हमने करवा दी, अपने गाड़ी के आगे 7-8 गाड़ी आप बोल रहे हो, अपना 9 नंबर है। तो गाड़ी को हमने इस तरह से खड़ा किया है, सब गाड़ियाँ पार्किंग है इनकी पीछे की साइड में कोको कोला की, तो सब गाड़ियाँ तो रोड पे ही खड़ी है, तो मैंने पार्किंग में क्या दिक्कत है, गाड़ियाँ पार्किंग में क्यों नहीं लगी। तो चलो अंदाजे से मैंने उनको पूछा कि आज अपनी गाड़ी हो जाएगी, तो बोल रहे आज तो होनी चाहिए, हो जाएगी आपकी गाड़ी खाली। तो देखते हैं यार क्या सिस्टम है, तब तक खाली होती क्या होती है। और ये जो यहाँ पर भी खुली जगह है, यहाँ पर भी पार्किंग है, पर यहाँ पर लिखा हुआ है 100 रुपये पार्किंग 24 घंटे की। तो चलिए देखते हैं अब क्या सिस्टम है क्या नहीं, देखेंगे। अगर यहाँ पर तो हमने खड़ी कर दी है गाड़ी, यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है अभी तक, कोई टेंशन नहीं है, तो अगर किसी ने बोला तो फिर हम लेके पार्किंग में लगा देंगे गाड़ी, कोई टेंशन नहीं लेना है कुछ यार, क्या करें अब सो ही जाते हैं, अब नींद भी आ रही है। तो यहाँ पर देखते हैं कोई होटल वगैरह, हल्का सा नाश्ता वगैरह करते हैं फिर सो जाएंगे, क्योंकि भूख खाली पेट नींद नहीं आती यार, दिमाग नहीं चलता तो नींद क्या आएगी। चलो देखते हैं यहाँ पर कोई आसपास होटल वगैरह क्या, और होटल वगैरह होगा तो फिर करते हैं कुछ नाश्ता वगैरह फिर सो जाएंगे, खाली पेट तो नींद नहीं आती है। हमने गाड़ी को वहाँ पर पार्क किया था बिल्कुल यहाँ पर, तो चलिए वहाँ से निकाल के हमने गाड़ी को खड़ा कर दिया यहाँ पर, क्योंकि यार वो पार्किंग की जगह है, कोई आकर कुछ बोलने से अच्छा है कि अपनी जगह ही चेंज कर दो, अच्छी जगह पर पार्क कर दो गाड़ी, क्योंकि वो पार्किंग की जगह है, वहाँ पर कहाँ पार्क करेंगे यार, और फिर उसका ओनर वगैरह आके कुछ बोलेगा, इससे अच्छा है फिर हमने यहाँ पर जगह खाली हुई थी यहाँ पर लगा दी गाड़ी।
तो चलिए यहाँ पर पास ही होटल है, यहाँ पर जाके नाश्ता वगैरह करते हैं, खाते हैं कुछ। फाइनली गाइज अपनी गाड़ी अनलोड हो चुकी है, और तो अनलोड की हमने, खाना वगैरह खा के फिर मैं सो गया था, बस जस्ट अभी नहा धो के फ्रेश हो चुके, तो अपना लोड भी कंफर्म हो चुका है, तो हम लोड करने जा रहे हैं अभी यहाँ से 70 किलोमीटर लोड कर रहे हैं हम बेंगलोर साइड का पवागढ़, क्योंकि दूसरा कोई लोड मतलब लोड कोई सही रेट ही नहीं है यार यहाँ से, एकदम रेट डाउन रेट है हैदराबाद से, तो मैं जो मेरे को वही ठीक लगा, तो हम निकल रहे हैं अब लोड करने जा रहे हैं, ऐसे 70 किलोमीटर जाना है मुझे उस गाँव का नाम कुथुड़काड़ा कुछ है यार, मेरे को तो मैप में तो मुझे मिला ही नहीं, लोकेशन भेजा आगे से 70 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। तो चलिए गाड़ी को कर दिया हमने स्टार्ट, तो चलिए अब निकलते हैं। तो फाइनली गाइस हम 5-6 किलोमीटर नीचे चल के एक्स रिंग रोड पे लग चुके, अब हम वापस पुना वाले साइड में नहीं जा रहे, हम जा रहे फिर वापस राइट साइड में पूरा रिंग रोड घूम के अपनी लोकेशन है जहाँ पर हमें गाड़ी लोड करनी है, जो विजयवाड़ा वाली साइड में रोड जाता है, पता नहीं कौन सी यार लोकेशन पे तो नहीं दिखा था कि कितने नंबर पे उतरना है, चलिए आपको मैं आपके आगे बताऊंगा हमें कितने नंबर पे हम नीचे उतरेंगे। तो सीधा अब गाड़ी आज तो नहीं, मतलब नाइट में नहीं लोड होगी, कल मॉर्निंग में लोड होगी, देखते अब वहाँ पर पहुँच के पता चलेगा कौन सी कंपनी का। लोकेशन में तो हमने देखा बहुत बड़ी कंपनी थी वो कुछ, चलिए मिलते हैं अब जहाँ पर उतरेंगे हम नीचे। फाइनली गाइज हम जहाँ पर हमें गाड़ी लोड करनी थी वहाँ पर हम आ चुके हैं, कुछ ऐसी कंपनी पीछे और गाड़ी को खड़ा कर दिया बिल्कुल गेट के सामने हमने यहाँ पर, तो ऐसी कुछ कंपनी है पीछे, तो देखते अब मॉर्निंग में कल सुबह लोड होगी, गेट पे जाके हमने पूछा उनको तो बोले कि मेल वगैरह करना पड़ता है उस सुबह, पता नहीं कौन मेल करेगा, गाइड नंबर जो कुछ रहेगा उनका सिस्टम। चलिए आ चुके यहाँ पर, अब करते यार रेस्ट, अब आराम से सो जाएंगे हम, यहाँ पर तो कोई पता नहीं यार होटल वोटल तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैंने आज तो खाना भी नहीं खाया, दोपहर में खाना खाया था यार, तो कोई होटल है नहीं मुझे लगा होगा, ये देखते सिक्योरिटी से पूछ के देखते कुछ है क्या होटल वगैरह। यहाँ पर आज कैंटीन अब बंद हो चुकी है, आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा मुझे लग रहा है, आज भूखे सोना पड़ेगा, क्या ही करे यार पीछे खाना खा के, पर रिंग रोड पे आया तो रिंग रोड पे तो पता है आपको रिंग रोड तो कुछ मिलना है नहीं, तो यार आप तो भूखा ही सोना पड़ेगा, और अब टाइम भी बहुत हो चुका है, अब लगभग 11 प्लस हो गए। आ चुके गाड़ी में यार, खाना तो हमें आज नहीं मिला, तो खाना तो है अपने पास हल्का फुल्का, घर से दिया था मुझे खाने के लिए लड्डू वगैरह और एप्पल, यार मैं तो मना कर रहा था कि मत दो कोई ज़रूरत नहीं है, पर ये काम में आ गया यार, ऐसी चीज़ें गाड़ी में होनी चाहिए, मैं तो आज तो भूखा ही सोना पड़ता अगर ये नहीं होता तो। चलिए अब इसको खाते, मीठा तो ऐसे भी मुझे ज़्यादा पसंद है नहीं, पर अब खाना ही पड़ेगा, खाते लड्डू एप्पल है तो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। तो गाइस और एक बात आपको बोलना चाहता था मैं, मेरे ना अपने जो पुराना मोबाइल था ना उसका हाल देखो क्या हो गया, पूरा खत्म। इसमें अपने कम से कम आया था उदयपुर से लोड करके वापिस, सॉरी उदयपुर से खाली आया था अहमदाबाद, अहमदाबाद से फिर मैंने लोड किया था यहाँ पर हैदराबाद का, पूरे ब्लॉग ने इसमें मैंने शूट करके रखे थे वीडियो, तो अब इसका काम ही खत्म हो गया, अब जब तक ये इसका डिस्प्ले नहीं लगाएगा तब तक ये क्या ही पता चलेगा यार, मतलब वीडियो में अब एडिट भी नहीं कर सकता, इसमें से वीडियो इस मोबाइल में कैसे लूंगा नए मोबाइल में। अपने ब्लॉग है वो इस मोबाइल में नए मोबाइल में जो भी शूट किए उसको हम कंटिन्यू करेंगे, और जब ये मोबाइल अपना रिपेयर हो जाएगा ठीक इस पर डिस्प्ले में, जैसे घर पहुंच जाऊंगा इसका डिस्प्ले में डलवा लूंगा, तो जैसे ही ये डिस्प्ले डल जाएगा तो फिर पीछे के ब्लॉग में फिर से अपलोड कर दूंगा। तो चलिए अब जो आगे के ब्लॉग है तो बस एक दो ब्लॉग अपने आपको मिलेंगे नहीं देखने के लिए, तो बस बाद में जैसे मोबाइल का डिस्प्ले आ जाए, डिस्प्ले डल जाएगा तो मैं आगे के ब्लॉग आपको कंटिन्यू करूंगा, तो जो पीछे के ब्लॉग थे वो अपलोड कर दूंगा, फिर आप देख सकते हो। तो चलिए जो ब्लॉग अपने पास, जो वीडियो अपने पास है उसको हम अपलोड कर देंगे गाइज, इतना सपोर्ट कीजिए। तो भाई चल रहा है अपना हल्का फुल्का थोड़ा,
नाश्ता ही समझो इसको। तो चलिए इस ब्लॉग को हम अब यहीं एंड कर लेते हैं, मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।